हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुश सिंह। बाज़ार में कई तरह के एंटी एजिंग प्रोडक्ट मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं और उनमें केमिकल भी होता है जो स्किन को डैमेज करता है। ऐसे में अगर हम घर की कुछ चीज़ों से नेचुरल तरीके से होममेड एंटी एजिंग सीरम तैयार कर ले तो फिर क्या बात है। उम्र बढ़ने के साथ ही स्किन पर एजिंग के लक्षण आना स्वाभाविक है, लेकिन सही समय पर स्किन केयर और बेहतर डाइट से हम एजिंग के लक्षण को डिले कर सकते हैं। तो चलिए एंटी एजिंग सीरम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को धो लेंगे। एक पैन में 2 कप पानी डालें और इसमें चावल डाल के 20 मिनट तक उबालें। 20 मिनट उबालने के बाद चावल को छानकर इसका पानी अलग कर लें। फिर एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच चावल का पानी ले लेंगे हम, जो हमने छान कर निकाला है उसमें से 2 बड़े चम्मच पानी, चावल का पानी ले लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे और ये मिलकर एक पेस्ट बन जाए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल, 1 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर और 1/2 चम्मच ग्लिसरीन डालकर अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिलाकर एक स्मूथ सीरम बना लेंगे। और इस सीरम को हम एक एयरटाइट कंटेनर में 1 वीक के लिए रख सकते हैं। 1 वीक तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं और 1 वीक के बाद यूज़ ना करें क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। 1 वीक तक आप फ्रीज़र में रख कर इसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेचुरल एंटी एजिंग सीरम बनकर तैयार हो गया है। अब इस होममेड सीरम को आप रात के समय साफ़ स्किन पर और नेक पर अप्लाई कर लेंगे। फेस पे मेकअप या कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। फिर 2-3 मिनट अपनी उंगलियों से चेहरे और गर्दन पर सीरम की मालिश करेंगे। हल्का सा सीरम लेके 2-3 मिनट तक अपनी उंगलियों से चेहरे को अपर डायरेक्शन में और गर्दन पर सीरम से मालिश करेंगे। 1/2 घंटे बाद पानी से धो लें और फिर कोई मॉइस्चराइजर लगा लें। इसके यूज से स्किन टोन, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ जैसे स्किन प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगे और त्वचा में कसावट भी आने लगेंगी, त्वचा टाइट हो जाएगी आपकी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब